आपके पास वीवो Y20 सीरीज का कोई सा भी फ़ोन है तो उसके अंदर आप अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि कभी भी आपको डाटा ट्रांसफ़र करना होता है तो उस टाइम आप हॉटस्पॉट से शेयर करते हो तो उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हो, या आपको पासवर्ड लगाना है या फिर कुछ और भी सेटिंग करनी होती है जो कि आपको करना होता है ज़रूरी, तो उसको करने के लिए आपको करना क्या है, नेटवर्क एंड इंटरनेट पर जाएंगे। यहाँ पर आपको दीजिएगा हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग, इस पर आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद वाईफाई हॉटस्पॉट दिखेगा, इस पर आपको जाना है, इसको ऑन कर देना होता है। ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपका हॉटस्पॉट नेम होता है, अगर आपको चेंज करना है हॉटस्पॉट नेम तो यहाँ पर आपको चेंज कर देना होता है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ TN फ़ोन, बाकी आपको जो भी डालना होगा आप अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि TN ही फ़ोन लिखें, आप अपना खुद का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने TN फ़ोन डाल दिया, सॉरी, यहाँ पे फ़ोन डालने के बाद ओके कर दिया तो यहाँ पर आपका TN फ़ोन सेट हो गया। बाकी यहाँ पर आपका पासवर्ड का ऑप्शन होता है तो आपको जो भी पासवर्ड रखना है ऐसे आपको डाल देना होता है, पासवर्ड जो आपको याद रहे ऐसे करके आपको ओके कर देना होता है। तो यहाँ पर आपको दिख जाता है 1 टाइम डेटा लिमिट, यानी कि आप जब भी किसी को डाटा ट्रांसफ़र करते हो तो उसके अंदर कितना डाटा जाने के बाद आपका डाटा बंद हो जाता है, यहाँ पर आपको देख लेना होता है। जैसे कि मैं 500 पे सेट कर देता हूँ। 500 पे सेट करने से क्या होता है कि जैसे ही 500 MB जैसे ही ट्रांसफ़र होगा ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन से डाटा ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता है। बाकी ये वाला ऑप्शन दिखता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन, यानी कि एक बार में आप कितने बंदों को अपना डाटा शेयर कर सकते हो, तो यहाँ से आपको देख लेना होता है। मैं कहूँगा, रिकमेंड करता हूँ कि 2 पे आपको सेट कर लेना है। बाकी ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली, इसको आपको इनेबल करके रखना है। इससे क्या होता है कि अगर 15 मिनट तक आपके फ़ोन से कोई हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं करता तो ऑटोमेटिकली आपका हॉटस्पॉट बंद हो जाएगा। बाकी ए पी बैंड होता है जिससे आप 5G के स्पीड से भी आप अपने फ़ोन में नेटवर्क से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बट एक मिनट, यहाँ पे आपका QR कोड होगा तो QR कोड स्कैन करके भी डायरेक्टली आप अपना हॉटस्पॉट शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।